हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो आपने पालक की सब्जी को कई बार बनाया और खाया होगा, लेकिन आज मैं पालक की सब्जी बनाने की एकदम नई और यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होती है। और आज मैं आपको ये रेसिपी दो तरह से बनाना बताऊँगी, जिससे आप अपना लंच और ब्रेकफास्ट आसानी से बनाकर तैयार कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए 250 ग्राम पालक और इसे अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह काफ़ी होती है। और इसके सारे जितने ख़राब पत्ते थे वो मैंने निकाल कर इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है, यहाँ पर ये देखिए। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 गिलास पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो पानी गर्म हो चुका है। इसमें यहाँ पर हम पालक डाल देंगे और पालक को हम यहाँ पर हल्के से 1 से 2 मिनट तक उबालेंगे, जिससे हमारा पालक जो है सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी पालक सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर 1 से 2 मिनट हुए हैं और पालक हमारा ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो पालक को हम यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लेंगे। और उसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पर इसे पीसेंगे। तो पालक हमारा ठंडा हो चुका है, इसे डाल देंगे मिक्सी के जार में। साथ में मैंने यहाँ 1 हरी मिर्च ली है, तो इसे बारीक काट कर डालेंगे, जिससे पीसने में आसानी होगी। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1 अदरक के टुकड़े को बारीक काट कर लिया है, और थोड़ा सा लिया है हरा धनिया। तो सारी चीज़ों का हम यहाँ पर बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए पालक का पेस्ट मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। पालक को साइड में रख लेते हैं और वो मिक्सी का जार फिर से ले लेते हैं। इसमें मैंने 1 बड़े साइज़ के प्याज को मोटा मोटा काट कर लिया है, 2 यहाँ पर मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इन्हें भी मोटा मोटा ही काटा है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को बिल्कुल बारीक काट कर लिया है, और 6 से 7 लहसुन की कलियां यहाँ पर ली हैं। इन सारी चीज़ों का भी हम महीन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने पेस्ट बना लिया है, तो इसे साइड में रख देंगे और इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे। मैंने फिर से पालक ले लिया है, इसमें मसाले मिला लेते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च मैंने पहले भी 1 डाली है, 1/2 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक, और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, तो मैंने पहले थोड़ा ही बेसन डाला है। यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम पालक का गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से पकौड़ी बनाने के लिए बैटर चाहिए होता है गाढ़ा, उसी तरह का बैटर बनाएंगे। और बैटर को यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि बैटर हमारा एकदम से हल्का हो जाए। ये देखिए 3 से 4 मिनट मैंने पालक को अच्छे से फेंट लिया है और बैटर ये हमारा अच्छे से हो चुका है। और ये देखिए इतना सा बेसन ये मैंने बचा भी दिया है। तो हम इस बैटर को ढककर रख देंगे अलग, और तब तक हम सब्जी के लिए ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल दिया मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ये सरसों का तेल। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 बड़ी इलायची, साथ में 1/2 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से चटक चुका है, तो हमने जो ये प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें यहाँ पर मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गर्म मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी, और स्वाद अनुसार नमक या 1 छोटी चम्मच नमक। सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को अब हम यहाँ पर मीडियम पर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर मसालों को हम यहाँ पर ढककर पकाएंगे, जब तक इससे पूरी तरह से तेल अलग नहीं हो जाता है। मसालों को एक बार चेक कर लेते हैं, और ये देखिए इनसे ये तेल अलग होने लगा है, तो इन्हें एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मसाले हमारे यहाँ पर अच्छे से ये भुन चुके हैं। तो यहाँ पर लिया मैंने 2 चम्मच दूध की मलाई, तो ये फ्रेश दूध की मलाई है, इससे जो हमारी ग्रेवी है वो एकदम क्रीमी बनकर तैयार होती है। तो इसे भी मिला लेंगे और एक बार मसालों को फिर से अच्छे से पका लेंगे। किसी भी सब्जी को बार बार एक ही तरह से बनाकर खाने से सब लोग बोर हो जाते हैं, तो अगर आप सब्जी को बार बार इस तरह से अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो हर बार सब्जी का स्वाद अलग आएगा और सभी को सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। ये देखिए मसाले मैंने यहाँ पर अच्छे से भून लिए हैं मलाई डालने के बाद, इससे पूरा तेल अलग हो गया है। तो अब हम सब्जी में यहाँ पर पानी डालेंगे, तो आप ग्रेवी को जितना गाढ़ा या पतला रखना चाहें उसी के हिसाब से पानी डाल लें। मैंने यहाँ पर ये 1.5 गिलास पानी डाला है। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम ग्रेवी को ढककर यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। इधर पालक को भी हमारे रेस्ट पर रखे हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
और अब फिर से चलते हैं गैस पर। तो मैंने गैस पर यहाँ अपे पैन रख दिया है, इसमें हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे। मैंने एक आपसे पहले ही कहा था कि मैं इससे दो रेसिपी बनाकर तैयार करूँगी, एक लंच की और एक ब्रेकफास्ट की। तो इसमें पहले हम आधा आधा चम्मच ही पालक का पेस्ट डालेंगे, आधा आधा फिर हम बाद में डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से अगर आप पालक की सब्जी बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगी, और पालक बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है खाने में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये पनीर लिया है और इसे छोटे छोटे पीस में काट लिया है, तो एक एक पीस यहाँ पर ये पनीर का डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से अगर आप नाश्ता बना के सब लोगों को खिलाएंगे तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होता है, क्योंकि हम इसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, और बाद में आधा आधा चम्मच पालक का पेस्ट हम ऊपर से फिर से डाल देंगे और इन्हें यहाँ पर हम ये कवर कर देंगे। ये देखिए, अब हम गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम पर कर देंगे और इन्हें ढककर यहाँ पर 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तो इन्हें चेक कर लेते हैं। हाथ से मैंने इस तरह से इन्हें छूकर देखा तो ये हाथ में नहीं चिपक रहे हैं, ऊपर से अच्छे से पक चुके हैं। तो ये देखिए, ब्रश की मदद से मैंने इनके ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल लगा दिया है। देखिए, अब चम्मच से इस तरह से इन्हें पलट लेंगे और ये देखिए, ये नीचे से कितने अच्छे से ये सिक चुके हैं। तो इन्हें एक एक करके यहाँ पर पलट लेंगे। बिल्कुल भी ये नीचे नहीं चिपके हैं और एकदम अच्छे से ये पके हैं। इन्हें फिर से ढक देंगे और ढककर इन्हें फिर से अब हम 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। 2 मिनट बाद फिर से चेक करते हैं तो ये देखिए, ये नीचे से भी बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देखिए, यहाँ पर पालक का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मैंने ये नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं ये, और ये देखिए अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पके हैं। ये देखिए, आप इस नाश्ते को सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या बच्चों के लिए टिफिन में बना सकते हैं, उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगा। लेकिन आज हम इसकी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे, तो चलिए चेक कर लेते हैं। ग्रेवी को पकते हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, ग्रेवी भी हमारे यहाँ पर अच्छे से पक चुकी है। देखिए कितना अच्छा कलर ग्रेवी का यहाँ पर आ चुका है। तो हमने जो ये पालक का नाश्ता बनाया है, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसे ढककर हम फिर से यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा जो नाश्ता है इसमें ग्रेवी अंदर तक चली जाए। ये देखिए, 2-3 मिनट बाद ये देखिए, ये भी अच्छे से यहाँ पर ग्रेवी के साथ पक चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा ये सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो गैस को ऑफ करते हैं और सब्जी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, पालक की यहाँ पर बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी, चावल, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होती है। ये देखिए, मैं आपको चम्मच से काट करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, और खाने में पालक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, तो पालक की सब्जी बनाने का ये नया तरीका आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।